मिलता हो गर जायका, मिला हो अक्षर ढाई का। स्वादों से भरी प्लेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर जिंदगी तो ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, 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 वाह क्या टेस्ट है। We all know that India is a land of diverse cultures and traditions, but there is one more thing for which India is known in the entire world, and that is for its spices and zings. Indian spices are known for its taste and aroma. Indian spices jo hai wo since the time of Vedas, it has been an integral part of cooking. फिर चाहे वो शाही पनीर हो या फिर फिंगर लिकिंग बटर चिकन क्यों ना हो, इंडियन स्पाइसेस हमारे इंडियन डिशेस की जान है। वाह क्या टेस्ट है। हेलो, आई एम श्रद्धा कपूर, वेलकम टू योर फेवरेट कुकरी शो जिसका नाम है वाह क्या टेस्ट है। दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप कहीं बाहर खाना खाने गए हो और आपको वो जगह इतनी पसंद आई हो कि नेक्स्ट टाइम जब आपने डाइनिंग का सोचा तो ऑटोमेटिकली उसी जगह जाके पहुंच गए। यू नो, वेल देयर इज समथिंग इन द एयर ओनली ऑफ सम प्लेसेस। वेल ऐसा ही कुछ है होटल ललित के साथ भी। बेस्ट टेस्टिंग फूड इन कंफर्टेबल रेस्टोरेंट्स। एक बार अगर आप यहाँ आए सो आई अश्योर यू बार बार आने वाले हैं। वेल अब हमें भी चलना चाहिए हमारे किचन में। हम किसका इंतजार कर रहे हैं, सो लेट्स गो। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं हमारी किचन में। देखिए कितनी सुंदर किचन है हमारी। पता है यहाँ पे खाना बनाकर ना एकदम मजा आ जाता है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, बुलाते हैं हमारे शेफ को। सो वेलकम शेफ रमेश। हेलो श्रद्धा, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया शेफ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। क्या बात है शेफ, मैं ना आपको पहले ही वॉर्न कर रही हूँ, आज मेरा जो मूड है ना वो एकदम शेर और शायरी वाला हुआ हुआ है। क्या बात है श्रद्धा। तो फिर अर्ज किया है, दिल से तुम्हारी निगाहें जिगर पर उतर गई, दिल से तुम्हारी निगाहें जिगर पर उतर गई, दाल बनाने रखी थी कुकर में, देखो कैसे उबल गई। तो शेफ ऐसी है मेरी जो शायरी है ना वो तो चलती रहेगी। जल्दी से पहले फन फैक्ट्स देख लेते हैं। डू यू नो व्हीट ग्रास इज द यंग ग्रास ऑफ द कॉमन व्हीट प्लांट। This edible grass is a powerhouse of nutrients and is known for its ability to increase immunity and help deal with cancer. It is also considered to be a superfood which can be consumed on its own or used in combination with other juices or supplements. It comes in several forms such as juice, capsules, powder, pills and tablets. वाओ, इतनी छोटी सी चीज और इतने सारे गुण, क्यों शेफ? यहाँ बिल्कुल श्रद्धा, है ना शेफ? तो बताइए क्या बनाने जा रहे हैं आज आप? एक्चुअली मैंने सोचा कि मैं आज फ्रेंच एटमॉस्फेयर क्रिएट करूं, तो मैं बनाने जा रहा हूं आप फ्रेंच कुजिन। तो चलिए जल्दी बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को कि क्या सिखा रहे हैं। तो आज मैं सिखाने जा रहा हूँ निस्वा सैलड। चलिए शेफ स्टार्ट करते हैं। इसमें ऑयल, हम ऑलिव ऑयल यूज करेंगे। इसमें पहले इसको मैरिनेट करेंगे, तो सॉल्ट, क्रश पेपर। दैट्स इट शेफ, बेसिकली सीजनिंग डालनी है। सीजनिंग डालनी है बस। ऑलराइट। शेफ हम टूना फिश यूज कर रहे हैं निस्वा सैलेड के लिए। बिल्कुल। तो जनरली जो फ्रेंच है वो लोग भी निस्वा सैलेड के लिए टूना ही यूज करते हैं। बिल्कुल टूना ही। इसको हम फुल डन नहीं करेंगे, टूना फिश को यह हाफ डन किया जाता है। अंदर से पिंकिश कलर होना चाहिए इसका। अंदर से पिंक कलर। पिंक कलर। ऑलराइट। तो मतलब फिर अंदर से सब कच्ची नहीं रह जाएगी। इसको कच्ची भी खाया जाता है, जापानीज लोग ये ज्यादा खाते हैं। रॉ खाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। हाँ।
आई कैन सी दैट चारों तरफ से हमारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है पर वो बीच से वो पिंक होना चाहिए। फिश रेडी हो गई है, अब इसके बाद हम इसके लिए वेजिटेबल सौते करेंगे। ऑयल ऑलिव ऑयल यूज करेंगे, इसमें यूज करेंगे हम गार्लिक, टोमेटोज, चेरी टोमेटोज हमने उन्हें स्लिट करके यूज कर रहे हैं। और बीन्स, मैंने ऐसा सुना है कि फ्रेंच जो क्विजीन थी 14th सेंचुरी में उन्होंने काफ़ी हद तक जो फ्रेंच क्विजीन थी वो इन्फ्लुएंस थी इटालियन क्विजीन से। फिर 17th सेंचुरी में जाके कहीं ना कहीं उन्होंने अपना जो कहते हैं ना इंडिजीनियस स्टाइल बना लिया था क्विजीन का, और 20th सेंचुरी में तो वो बिल्कुल हाई लेवल मॉडर्न क्विजीन्स में आ चुकी थी। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा इसमें सीजनिंग करेंगे, बारबुलों सॉस बनाएंगे। इसके लिए हम इसमें यूज़ करेंगे हम ऑयल, हम इसमें यूज़ करेंगे चॉप ऑनियन, गार्लिक, इसको थोड़ा सा ज़्यादा पकाना है जब तक इसका फ्लेवर ना आए। ऑलराइट, वाइन यूज करेंगे हम इसमें, तो थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे हम। इसके बाद यूज करेंगे हम क्रीम, और इसमें बटर भी यूज करते हैं। ऑलराइट, बहुत रिच होने वाली है ये। बटर डालेंगे। शेफ, ये मिस्टर सैलेड जो हम बना रहे हैं, तो फ्रेंच कब खाना पसंद करते हैं इसे? एज इन अपना ब्रेकफास्ट इंक्लूड करते हैं या लंच में इंक्लूड करते हैं या डिनर में करना पसंद करते हैं? इसको लंच में भी खा सकते हैं, डिनर में भी। लंच में भी, डिनर में भी। ऑलराइट, तो सॉस रेडी हो चुकी है। सो नाउ थोड़ा सा श्रद्धा आप हेल्प करोगे। ऑलराइट, तो अब हम स्ट्रेन करेंगे। ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए थी हमें। बारी आ गई है प्लेटिंग के लिए। जल्दी से प्लेटिंग करिए हमारी इस यम्मी डिश की। तो पहले हम यूज करेंगे वेजिटेबल। वेजिटेबल को अरेंज किया इसको। अब इसके बाद हम टूना फिश के यूज करेंगे हम इसमें कैपर वेरी, ऑलिव्स, और लास्ट में यूज करेंगे हम इसका माइक्रोग्रीन। तो अब हमारी डिश तैयार हो गई है सिद्धा। वाओ, मिस्टर सैलेड इज रेडी, परफेक्ट शेफ। तो नाउ यू वांट मी टू टेस्ट इट? बिल्कुल, आपने इतनी मेहनत करी है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको इसे टेस्ट करके बताऊं आपने कैसी मेहनत करी और क्या क्या फल आया आपकी मेहनत का। तो चलिए लेट्स टेस्ट इट। हम्म,
वेरी नाइस शेफ आई मस्ट से. बहुत एक सटल फ्लेवर आ रहा है फिश का भी. यू आर राइट कि ये जो सेमी कुक्ड फिश आई वुड से बहुत अच्छा फ्लेवर दे रही है. वेजिटेबल्स इन फैक्ट एक डिफरेंट सा फ्लेवर आ रहा है इसमें ना. दिस इज रियली वेरी टेस्टी. नाउ इट्स टाइम आई शुड टेस्ट बर्गलार सॉस आल्सो. इट्स अ लिटल टैंगी. या एक खट्टा सा फ्लेवर आ रहा है इसका. वाओ अमेजिंग. यू नो व्हाट, आपको इस डिश को जरूर ट्राई करना चाहिए. टेस्ट से इससे डिप्राइव नहीं रहना चाहिए. तो बाय एनी चांस कोई भी इंग्रेडिएंट मिस हो गया है, डोंट वरी, गो फॉर अ रीकैप. वॉर्म निस्वा सैलेड बनाने के लिए एक बोल में टूना फिश लीजिए. उसमें सॉल्ट एंड पेपर डाल के सीजनिंग कीजिए. अब सीजनिंग करा हुआ टूना फिश पैन में ऑलिव ऑयल के साथ चारों तरफ से सेयर कीजिए. अब एक पैन में ऑलिव ऑयल डालिए, उसमें गार्लिक, चेरी टमेटोज, बीन्स, कुक्ड पोटेटोज सौते करें. फिर एक बोल में ट्रांसफर करें. बर्बला सॉस बनाने के लिए एक पैन में ऑलिव ऑयल, चॉप्ड अनियन, गार्लिक, व्हाइट वाइन, क्रीम, बटर डाल के अच्छे से पकाएं. सॉस बनने के बाद उसको स्ट्रेन कर लें. अब प्लेटिंग के लिए टूना फिश को वेजिटेबल सैलेड, एग्स, ऑलिव्स, माइक्रोबीन्स के साथ सर्व करें. वेलकम बैक टू योर फेवरेट कुकरी शो जिसका नाम है वाह क्या टेस्ट है, वेयर यू गेट टू लर्न मल्टीपल क्विजींस विद द सिंपलेस्ट टेक्निक्स ऑफ कुकिंग. वेल दोस्तों, ब्रेक पे जाने से पहले आपने सीखी एक एग्जॉटिक फ्रेंच रेसिपी बनानी. हमारे शेफ इतने टैलेंटेड है कि उन्होंने बोला क्यों ना एक और आपको रेसिपी सिखाई जाए फ्रेंच की ही, और आपकी हैप्पीनेस को और ज्यादा बढ़ा दिया जाए. तो चलिए चलते हैं सीधा शेफ के पास. वाह क्या टेस्ट है. तो दोस्तों, स्वागत है आपका वाह क्या टेस्ट है के सेकंड सेगमेंट में. जैसे कि हम बात कर रहे हैं आज एक फ्रांस की कुजीन की, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक रेसिपी जो कि है मेरा वार्म गोटी स्टार्ट विद द कैरमलाइज अनियन. तो स्टार्ट करते हैं उसका प्रोसीजर, जिसके लिए मुझे चाहिए अनियंस, शुगर, एप्रिकॉट, रॉकेट, रिफाइंड फ्लावर, गोट चीज एंड द ग्रीन पी प्योरे. तो स्टार्ट करते हैं बनाने की विधि. तो मैं स्टार्ट करूंगा फ्लावर से. आप लेंगे 1 किलो फ्लावर के अंदर 250 ग्राम बटर. तो मैं ले रहा हूँ रिफाइंड फ्लावर, जैसे कि मैंने आपको रेसिपी बताई थी 1 किलो फ्लावर के अंदर 250 ग्राम बटर. तो मैं लूँगा यहाँ पे मेरा बटर और डालूँगा नमक. जैसे कि मैंने बताया था कि मैं बना रहा हूँ एक सॉल्टी टार्ट, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं बना रहा हूँ एक फ्रेंच डिश, तो इस मेथड को हम बोलते हैं फ्रांस में ए बर मैने. ये जो टार्ट बनेगा इसको आप एज ए पार्टी स्नैक्स यूज़ कर सकते हैं. आपके घर पे कोई रिलेटिव्स आ रहे हैं तो आप उनको एक सरप्राइज़ दे सकते हैं एक फ्रेंच डिश के साथ. ये देखिए मेरा डो बनना तैयार हो गया है, सिर्फ फिंगर की हेल्प, कोई कुकिंग प्रोसेस नहीं है, कुछ नहीं है. ये देखिए डो मेरा बिल्कुल बन गया है. अब मैं इसको रखता हूँ 30 मिनट्स के लिए फ्रिज के अंदर. तो तब तक मेरा डो ठंडा हो रहा है, मैं स्टार्ट करता हूँ अपना कैरमलाइज अनियन प्रोसेस, जिसके लिए मुझे चाहिए एक पैन मीडियम हीट. जैसे कि मैंने बताया मैं बनाऊँगा कैरमलाइज अनियन, तो सबसे पहले डालूँगा मैं बटर, फिर चाहिए मेरे को अनियन. स्लाइस अनियन मैंने करके रखा है पहले से, आप यूज़ करेंगे स्लाइस अनियन तकरीबन 100 ग्राम. सोटे करेंगे तब तक स्वेट ना हो जाए और आहिस्ता आहिस्ता से कैरमलाइजेशन की तरफ जाए. इसको होने देते हैं, तब तक स्टार्ट कर लेते हैं अपने बेसिक कंपोनेंट, जो कि मुझे चाहिएगा एप्रिकॉट. अनियन मेरा सोटे हो रहा है, मैं कर लेता हूँ एप्रिकॉट को जूलियन ताकि थोड़ा सा फ्रूटी टेस्ट मिले. आप
देख रहे हैं अनियन आहिस्ता आहिस्ता से कैरमलाइज हो रहा है, ज़्यादा नहीं करना है वरना बिटरनेस आ जाएगा अगर हाई फ्लेम पे रखेंगे। कलर आना स्टार्ट हो गया है, स्वेट हो गया है, थोड़ा सा क्रंचीनेस रखेंगे अदरवाइज पूरा मैश हो जाएगा और हमें टार्ट के अंदर क्रंचीनेस नहीं मिलेगी। तो अब मुझे ऐड करना है इसमें ब्राउन शुगर। अगर आपके पास घर में ब्राउन शुगर नहीं है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं आपका नॉर्मल ग्रेन शुगर से, लेकिन आपको फर्स्ट स्टेप में ही उसको थोड़ा सा कैरमलाइज करना पड़ेगा। मैं ब्राउन शुगर इसलिए ले रहा हूँ ताकि एक कैरमलाइजेशन में हेल्प मिले। तो अब मुझे चाहिए इसके अंदर मैंने रखा है बालसमिक विनेगर। बालसमिक विनेगर एक फ्रूट विनेगर है, ये मैंने डाला है बालसमिक विनेगर। चाहिए मुझे रेड वाइन। आपको याद होगा कि फ्रांस में कुकिंग में वाइन का एक बहुत ही अपना वो है, टेस्ट है, फ्लेवर है। बात करते हैं बरबला की, तो हम बनाते हैं बरबला के अंदर वाइट वाइन। अगर हम बात करते हैं डेमीग्लेज, ब्राउन सॉस, मशरूम सॉस, तो हम यूज़ करते हैं रेड वाइन जो कि हमारे स्टेक्स के साथ जाता है। मैं अब यूज़ करूँगा इसमें थाइम। हर्ब्स का फ्लेवर काफ़ी पसंद है मुझे और एक थोड़ा सा थाइम डालेंगे। आप देख सकते हैं अनियन मेरा कैरमलाइज हो चुका है, बहुत ही अच्छा ब्राउन कलर आ चुका है। अब मैं निकालूंगा इसको, एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए कैरमलाइज अनियन मेरा तैयार है प्लेट प्रेजेंटेशन के लिए, जिसको मैं यूज़ करूंगा बाद में। मुझे चाहिए था एकदम फाइन डो ऐसा ही, ताकि मैं जब उसको शॉर्टकट्स की तरह बेलूँ तो वो फटे ना और जो बटर ने उसको स्टिफ कर लिया उसकी बाइंडिंग बनी रहे। मैं दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेता हूँ ताकि मुझे मिले एक टार्ट के लिए। हाफ डो मैं ले लेता हूँ, थोड़ा सा रोल करते हैं, हल्का सा फ्लावर डस्ट करेंगे ताकि आपका जो डो है सरफेस से स्टिक ना हो जाए। अब मैं इसको थोड़ा रोलिंग पिन की हेल्प से रोल करूँगा। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है वरना जो आपका क्रंचीनेस है वो ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो मैं यूज़ करता हूँ एक थिन शीट। तो शीट मेरी रोल हो चुकी है, थिकनेस मुझे ज़्यादा चाहिए नहीं। मैंने लिया है मोल्ड जिसको मैं डालूँगा शीट में ऐसे करके। अगर आपके पास घर पे मोल्ड नहीं है, कुछ नहीं है, तो यू कैन यूज़ ए स्मॉल बाउल, कोई कटर है, कोई रिंग है आपके पास तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे लूँगा एक पाई शीट। दो एक्स्ट्रा हटा देंगे, आहिस्ता आहिस्ता से इसको काट के एक्स्ट्रा हटा देंगे ताकि थोड़ा सा प्रेस करूँगा ताकि मुझे एक मिले शेप जो मैं चाहता हूँ। प्रेस करूँगा, हल्का सा फोल्ड करूँगा। तो इसको शेप रिमेन रखने के लिए मैं इसमें डालूँगा थोड़ा सा दाल। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, घर पे राजमा होता है, दाल होता है, कोई भी हार्ड चीज़ जो कि मेल्टिंग ना हो आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ताकि इसकी शेप को मेंटेन रखेगा, कहीं से भी डी शेप नहीं होगा। अब मुझे चाहिए इसको बेक करने के लिए एक ओवन। तो इसको डालेंगे हम बेकिंग के लिए, प्री हीटेड ओवन होना चाहिए, मेक श्योर, अदरवाइज आपका टेम्परेचर इधर उधर हो जाएगा। 180 पे 12 मिनट को मैंने डाला है इसको बेकिंग के लिए। तो देखता हूँ टार्ट मेरा तैयार हो गया होगा। ओह परफेक्टली, एकदम परफेक्ट क्रिस्प बेक हुआ है। थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रखेंगे, अगर गर्म कोई डीमोल्ड कर देंगे तो इसकी कहीं ना कहीं शेप हो जाएगी और ये बहुत सॉफ्ट है, टूटने का भी डर है। तो 5 से 10 मिनट को इसको रेस्टिंग टाइम देंगे हम। अब टाइम आ गया है इसको डीमोल्ड करने का। जो मैंने इसके अंदर स्टफिंग डाली थी उसको मैं निकाल लूँगा ऐसे। काफ़ी केयरफुली करना है क्योंकि बहुत करंची है, बहुत बहुत सॉफ्ट है, करंची है और क्रिस्प है, एकदम थिन भी है। यस, जो मैंने कैरमलाइज अनियन किए थे वक्त आ गया है उनको यूज़ करने का। कैरमलाइज अनियन एकदम फिट परफेक्ट है जैसा मेरे को चाहिए था। जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं बना रहा हूँ एक सेवरी टार्ट, तो इसके लिए चाहिए मुझे गोट चीज़। गोट चीज़ जैसे कि आपने टेस्ट भी किया होगा, हल्का सा सॉल्टीनेस पे होता है, थोड़ा सा स्वीटनेस होता है,
एप्रिकॉट को मैंने जो जूलियन किया था, अब वक्त आ गया है उसके अंदर डालने का। ये एप्रिकॉट को मैंने इसके अंदर डाल दिया है। आपको कोर्सले मिक्स करना है, ज़्यादा इसका फाइन पेस्ट नहीं चाहिए, अदरवाइज थोड़ा मैशी हो जाएगा और क्रंचीनेस जो मुझे इसका अनियन का चाहिए था वो आपको नहीं मिल पाएगा। जो मैंने स्टफिंग तैयार की है मैं अपने क्रंची टार्ट के अंदर डाल रहा हूँ। ये देखिए मेरा जा रहा है फ्रूट्स, मैं लूंगा बेकिंग ट्रे, टार्ट को रखेंगे। अब मैं डालूंगा इसको फिर से बेकिंग में। टेम्परेचर मेरा सेम रहेगा 180, लेकिन जो कुकिंग टाइम है अब मैं रिड्यूस करूंगा, वो रहेगा मेरा 4 से 5 मिनट। टेम्परेचर ओवन मेरा सेट है, अब मैं इसको डालने जा रहा हूँ दोबारा से बेकिंग के लिए। हल्का सा सॉफ्टनेस के लिए मैं इसको दूंगा एक ट्विस्ट, जो कि होगा मेरा ग्रीन पी प्योरे। तो मुझे चाहिए उसके लिए एक पैन, पहले डालूंगा थोड़ा बटर। मैंने सिंपल ग्रीन पी को प्यूरे करके रखा है यहाँ पे। ग्रीन पीस को ऐड करना है, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मुझे मिले एक सॉस की कंसिस्टेंसी। पानी मिक्स करते हैं, ज़्यादा रनी नहीं करना है, अदरवाइज आपकी जो प्लेटिंग होगी उसमें ये स्प्लिट कर जाएगी। फिनिश करेंगे थोड़ा सा कुकिंग क्रीम के साथ। सॉस मेरी ऑलमोस्ट रेड्यूस हो चुकी है, थोड़ा सा कुकिंग क्रीम लेंगे, डिसकलर ना हो जाए हल्की लूँगा। सॉल्ट डालेंगे सीजनिंग के लिए। ये देखिए प्यूरी मेरी ऑलमोस्ट प्लेट प्रेजेंटेशन के लिए तैयार है। एक बाउल में निकाल लेते हैं, अदरवाइज ओवर हीटिंग हो जाएगा। पैन मेरा गरम है, जैसे मैंने बोला था सबायो कंसिस्टेंसी, ये मैंने निकाल लिया है। तो टार्ट मेरा बेक हो चुका है, चेक कर लेते हैं। ओह एकदम परफेक्ट हुआ है, जैसे मैंने बोला था कि ओवर कुकिंग नहीं करना है कहीं पे, ओवर हीटिंग, ओवर कुकिंग, ओवर बेकिंग कुछ भी ऐसा नहीं करना है। तो अब टाइम आ गया है मेरा प्लेट प्रेजेंटेशन का। अब मैं लेता हूँ एक प्लेट जिसको मुझे करना है प्रेजेंट। प्लेट मेरे पास तैयार है, स्टार्ट करूँगा मैं अपना ग्रीन पी प्योरे से। स्मूथनेस ऑफ द प्योरे ऑफ द ग्रीन पी, मैं लूँगा ग्रीन पी प्योरे, डेवलप डालूंगा, हल्का सा स्प्लिट करूँगा, टार्ट रखूंगा सेंटर ऑफ द प्लेट। तो मुझे चाहिए रॉकेट लीव्स जो मैंने ऑलरेडी पानी में सोक करके रखा है ताकि उसकी करंचीनेस बनी रहे। छोटे छोटे पैथित लीव्स चाहिए, फ्रांस में पैथित का मतलब होता है स्मॉल, तो मुझे चाहिए यहाँ पे छोटे छोटे पैथित लीव्स। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे, हल्का सा सॉल्ट लेंगे, पेपर लेंगे, मिक्स कर लेंगे और टॉप ऑफ अरेंज करेंगे। थोड़ा सा मैंने अपने पास रखा है ग्रीन पी, हल्का सा ग्रीन पी डालेंगे। मैं लूंगा हल्का सा मस्टर्ड और थोड़ा सा लूंगा स्प्राउट्स जो कि माइक्रो ग्रीन्स हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइक्रो ग्रीन्स, थोड़ा सा डालूंगा एप्रिकॉट्स। और देखिए ये मेरा गोट चीज डार्ट विद कैरमलाइज अनियन क्रिस्पी रोकुला तैयार है। वार्म गोट चीज टार्ट विद कैरमलाइज्ड अनियन ग्रीन पी प्योरे एंड रॉकेट सैलेड बनाने के लिए एक बोल में फ्लावर बटर सॉल्ट डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कीजिए और उसका डो बना लीजिए। बने हुए डो को कवर करके 30 मिनट रेफ्रिजरेट करें। स्टफिंग के लिए एक पैन में बटर स्लाइस्ड अनियन डाल के पकाएं और उसमें ब्राउन शुगर, बाल्समिक विनेगर, रेड वाइन डाल के पकाएं, फिर उसमें थाइम डाल के एक बोल में ट्रांसफर कर लें।
अब डो को बेलें और मोल्ड रख के उसे कट कर लें। अब उसको अवन में 180 डिग्री सेल्सियस में 12 मिनट तक बेक करें, फिर डीमोल्ड करें। अब बना के रखे हुए स्टफिंग को एक बोल में लाएं और उसमें गोट चीज एप्रिकॉट डाल के मिक्स करें, फिर फ्रेंच टार्ट के अंदर डालकर ऊपर से गोट चीज डालें और अवन में 180 डिग्री सेल्सियस में 4 से 5 मिनट तक बेक करें। ग्रीन पी प्योरी के लिए एक पैन में बटर, ग्रीन पी प्योरी, थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कीजिए और पका लीजिए। एंड में थोड़ा सा क्रीम, सॉल्ट एंड बटर डाल के क्विकली स्टर करें। टार्ट इज रेडी, सर्व इट विद ग्रीन पी प्योरी and some rocket leaf salad. Wow, kya taste hai! The French view eating not just as an act, but actually as their culture. They just love their food, love their meat. You know, every day of the year is treated with respect. तो हम भी आज के अपने इस पूरे एपिसोड को डेडिकेट करते हैं टू द रिच फ्रेंच फूड कल्चर। हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा आज। सो दोस्तों, अब है वक्त आपसे विदा लेने का, लेकिन अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। लेकिन तब तक के लिए कोई भी अगर सजेशंस हैं या फीडबैक्स हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, आप हमें भेज सकते हैं। हमारा मेल आईडी है wahkyataste@gmail.com। सो फ्रेंड्स, अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात डिफरेंट क्विजीन के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग डीडी नेशनल। नमस्कार। खुश फैमिली और पेट है, फिर सब कुछ ग्रेट ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है।